हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं अनिल कुमार सोनी कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 3 द्विघात बहुपद इसकी विविध प्रश्नावली का सवाल नंबर 20 और 21 आपको सिखाऊंगा। जरा ध्यानपूर्वक सीखिए। सवाल नंबर 20 में लिखा है, देखो द्विघात समीकरण 2x² + px - 15 = 0 का एक मूल -5 है तथा द्विघात समीकरण px² + x + k = 0 के मूल बराबर हैं, तो इसमें k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बड़ा सरल सवाल है, हमारे पास इस द्विघात समीकरण का एक मूल -5 दिया है और इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, तो इस द्विघात समीकरण में हमको k का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस द्विघात समीकरण का एक मूल -5 है, तो मैं इसमें -5 रख के इसमें देखेंगे हमें k का मान ज्ञात हो जाएगा। देखो ध्यान देना, द्विघात समीकरण 2x² + px - 15 = 0 का एक मूल x = -5 है, राइट। इसलिए समीकरण में x = -5 रख के देखेंगे हम, -5 रख के देख लो आप x की जगह, तो ये दो, ये हमने x का मान -5 रख दिया, ये स्क्वायर प्लस p, फिर x का मान हमने -5 रख दिया, ये -15 = 0, 2 का 2 -5 का वर्ग बन जाता है 25, -5 को p से गुणा करेंगे -5p, ये -15 = 0, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, ये -15, ये -5p बराबर क्या लिखेंगे सुनने, 50 में से 15 कटाएंगे तो 35, -5p = 0 या 35 -5p उधर ले जाओ बराबर के, तो ये बन जाएगा +5p। अब 5 को 20 से हो रहा है तो p का मान क्या करेंगे, क्योंकि गुणा ये तो गुणा भाग बदल जाता है, तो p का मान क्या करने के लिए हम 35 में किसका भाग देंगे, 5 का, तो p बराबर कितना आ गया हमारे पास में 7 आ गया बच्चों, राइट। अब देखो ये समीकरण लिखेंगे यहां पे, ये p x² + x + k बराबर क्या लिखा है सुनने, आप कोष्ठक खोल दीजिए, इन दोनों को ना पीछे करेंगे तो px² + px और + क्या लिखेंगे k बराबर 0। अब इस समीकरण में हमको p का मान कितना प्राप्त हो गया, 7, तो लिखेंगे p बराबर 7 रखने पर, p बराबर 7 रखने पर ये क्या बन जाएगा, 7x² + 7x + k = 0। अब द्विघात समीकरण देखो, हम यहाँ पे मूल कैसे प्राप्त हो रहे हैं, बराबर प्राप्त हो रहे हैं, हम यह मान ज्ञात कर लेंगे, यहां a का मान 7, b का मान 7 और c का मान कितना k, तो लिखेंगे इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे बराबर, क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, राइट, इसलिए विभक्तिकर b² - 4ac का मान क्या बन जाएगा सुनने, तो b का मान कितना 7, तो 7² - 4 * a, a का मान 7 और c का मान कितना k बराबर 0, 7² - 49 - 7 = 28 k बराबर 0, 49 का 49 ये -28 के उधर चल जाएगा, तो ये बन जाएगा +28 के, अब k का गुणा 28 से हो रहा है, 28 का भाग देंगे 49 में,
इसलिए k बराबर 28 बटा 49, 7 चौक 28, 7 सात 49, तो 7 से कट गया बच्चों, ये k बराबर क्या आ गया 4/7। सबसे पहले इसमें आप x बराबर माइनस पी पीर x बराबर माइनस का पी रख कर देख लो तो p का मान 7 आ गया। अब इसको कोष्ठक को गुणा करके खोल लेंगे तो इसमें p बराबर 7 रख के देख लो तो हमारा ये भी समीकरण बन गया। अब समीकरण मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो लिखेंगे और इसमें ए बी सी का मान रखेंगे तो हमको के का मान ज्ञात हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, अब मैं आपको इसका सॉल्व नंबर 21 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों सॉल्व नंबर 21 का पहला, श्री धनाचार्य सूत्र से इस दिए गए द्विघात समीकरण को अपन को हल करना है। तो देखो कैसे लगेंगे, सबसे दिए गए समीकरण लिख दीजिए आप, पी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर या एक्स माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिखा है जीरो, राइट। अब हम लिखेंगे श्री धनाचार्य सूत्र, तो पहले आप लिखो यहाँ पे ए बी सी का मान, यहाँ ए का मान क्या है पी स्क्वायर और बी का मान क्या है यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर और सी का मान क्या है यहाँ पे माइनस का क्यू स्क्वायर। अब हम लिखेंगे इसलिए श्री धराचार्य सूत्र से, श्री धराचार्य सूत्र से एस बराबर क्या होता है माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी बटा टू ए, आप सबको बता रखा मैंने। तो एक बार देखो ये माइनस का माइनस, बी का मान रखेंगे, बी का मान क्या दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस फिर बी का स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर ये माइनस का चार गुणा ए, ए का मान क्या है पी स्क्वायर गुणा सी, सी का मान क्या है क्यू स्क्वायर माइनस का। अब बटा में क्या लिखेंगे दो गुणा ए, ए का मान क्या है पी स्क्वायर। तो एक्स बराबर देखो कोष्ठक खोलेंगे तो माइनस वाला बन, बाहर माइनस का है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस वाला बन जाएगा माइनस, माइनस वाला बन जाएगा प्लस, तो उल्टा हो जाएगा ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बन जाएगा। अब कोष्ठक में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो ये बन जाएगा पी का फोर और माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस क्यू का फोर माइनस टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस का चार पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तीनों को गुणा करेंगे चार पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया बच्चों, राइट। और बटा में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे टू पी स्क्वायर, तो ये एक्स बराबर क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर प्लस माइनस ये पी फोर को लिखूंगा मैं पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब तो ये चार पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से दो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हम इसमें से कटा देंगे तो प्लस का बच जाएगा टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसमें से अपने कटा दिया प्लस ये क्यू फोर को लिखूंगा मैं क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे अपन बटा टू पी स्क्वायर, राइट। और देखो बच्चों ये एक्स बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वैसा का वैसा प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पे हो गया गुणनखंड, ये ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर वाले सरलरेखा लागू हो गई तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए का मान ये है पी स्क्वायर और बी का मान क्यू स्क्वायर, तो इस पूरे को करने में क्या आ जाएगा हमारे पास में ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर और बटा में क्या आएगा टू पी स्क्वायर। आगे अपन हल करके देखो यहां पे एक्स बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस, अब हम इसका वर्गमूल क्या करेंगे इस कोष्टक का, तो यहां पे होल वर्ग है ये कोष्ठक का स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, संख्या बच जाएगी केवल
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बटा नीचे क्या लिखेंगे हम, ये टू पी स्क्वायर। अब एक बार तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर धनात्मक लेंगे, एक बार ऋणात्मक लेंगे, तो देखो दो बार करूंगा मैं, एक्स बराबर ये क्या लिखा है क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, अब एक बार तो यहां प्लस कर दो आप, प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बट्टा में क्या लिखेंगे हम टू पी स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर से प्लस का पी स्क्वायर कट गया, तो यहां बच जाएगा हमारे पास एक क्यू स्क्वायर दो क्यू स्क्वायर, तो ये हो गया दो क्यू स्क्वायर बटा दो पी स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास दो से दो कट जाएगा, ये दो से दो कट गया, ध्यान देना ये दो से दो मैंने काट दिया, तो एक्स बराबर क्या हो गया क्यू स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर, ये हमको यहां पे एक आंसर तो प्राप्त हो गया। इसी में अगर हम दूसरा आंसर प्राप्त करेंगे, अब दूसरी बार देखो हम ये ऋणात्मक मान लेंगे, ये जो मान है हमने धनात्मक लेके देखेंगे, ऋणात्मक लेके देखेंगे, ये एक्स बराबर ये क्या लिखा है क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, कोष्ठक खोलेंगे तो ये दोनों प्लस के दोनों माइनस के बन जाएंगे, माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर बटा टू पी स्क्वायर। अब आप ध्यान दे रहे हैं पे अच्छे देखना, ये माइनस क्यू स्क्वायर से प्लस का क्यू स्क्वायर कट गया, तो माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का दो पी स्क्वायर बटा कितना है दो पी स्क्वायर, अब दो पी स्क्वायर का दो पी स्क्वायर जाएगा एक बार, तो एक्स बराबर क्या प्राप्त हो गया माइनस ए, तो हमको दो उत्तर प्राप्त हो गए, एक तो प्राप्त हुआ हमको क्या एक्स बराबर क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, और दूसरा उत्तर हमको प्राप्त हो गया एक्स बराबर माइनस का ए। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, इसी प्रकार मैं आपको अगला सवाल सिखाऊंगा, इसका दूसरा इसका एक्सेंस कोड ले लीजिए आप। अब देखिए बच्चों इसी प्रकार ये अपन हल करेंगे, तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पे, हमारे पास देखो श्री धराधर सूत्र लिखेंगे हम, श्री धराचार्य सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस का माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए, ठीक है। अब हम मान लिख देंगे, देखो यार a, a का मान क्या हमारे पास में 9, राइट, और b, b का मान क्या माइनस का 9 a प्लस बी, यहां से लेके यहां तक वही पूरा c का मान है, ये a का मान ये b का मान और ये किसका मान है c का, c बराबर लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस का 2b स्क्वायर। इसलिए अब देखो x का x बराबर ये माइनस का मान है b, b का मान रखेंगे पूरा, बी का मान रखेंगे ये पूरा कोष्ठक बना के बड़ा, माइनस का 9a प्लस बी रख दिया हमने प्लस माइनस, अब b का स्क्वायर क्या लिखा है ये माइनस का 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस का फोर ए सी, ए का मान कितना हमारे पास 9 और सी सी का मान ये हमारे पास में 2a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस का 2b स्क्वायर, ये लिख दिया अपन ने, बटा में क्या लिखेंगे बच्चों 2a, ए का मान कितना हमारे पास में 9 ए 9। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, x बराबर ये माने माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये क्या जाएगा हमारे पास देखो ये बन जाएगा 9 को a से गुणा करेंगे 9a और 9 को b से गुणा करेंगे तो 9b, राइट। अब क्या हो जाएगा हमारे पास देखो यहां से माइनस 9 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 81 और a प्लस b का स्क्वायर क्या बनता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये तो बनता है माइनस 236, ये माइनस का 36 को हम 2a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो गया ध्यान देना माइनस का 72 a स्क्वायर, फिर माइनस देखो 936 35 180 180 ए बी, फिर 936 36 दूनी 72 माइनस का 72 b स्क्वायर बटा 9 दूनी 18, राइट। अब देखो x का x बराबर ये 9a प्लस का 9b आ गया, ये प्लस माइनस
अब इन सबको गुणा करेंगे, अब देखो 81 को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे, 81 ए स्क्वायर, 81 को 2 एबी से गुणा करेंगे, 162 एबी, 81 को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे, 81 बी स्क्वायर, माइनस का ये 72 ए स्क्वायर, माइनस का 180 एबी, और ये माइनस का क्या है 72 बी स्क्वायर बटा कितना हमारे पास में 18। अब देखो ध्यान से अच्छी तरह समझ रहे इसको करेंगे आगे अपन, x बराबर 9a प्लस का 9b प्लस माइनस 81 ए स्क्वायर से बेहतर ए स्क्वायर कम कर देंगे तो 9 ए स्क्वायर, 180 ए बी में 162 ए बी कम करेंगे तो माइनस का 18 ए बी, और 81 बी स्क्वायर से बेहतर बी स्क्वायर कम करेंगे तो प्लस का 9 बी स्क्वायर बटा कितना हमारे पास में 18 है। यहां तक तो आपको सबको समझ में आ गया। अब देखो बच्चों इसी सवाल को आगे बता रहा हूं आपको, यहां पे करके ध्यानपूर्वक समझना। ये x बराबर ये कितना 9a प्लस 9b राइट प्लस माइनस, अब देखो सभी में क्या कॉमन आ रहा है 9, इन सभी में 9 कॉमन आ गया तो अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ये हमारा 2ab, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर ही बच गया बट्टा कितना हमारे पास में 18। एक्स बराबर 9a प्लस का 9b प्लस माइनस, अब देखो इसको लिखूंगा 9 को लिखूंगा 3 का स्क्वायर, और यहां पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी का सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है। अब देखिए बराबर x बराबर 9a प्लस का 9b, अब इस पूरे का वर्गमूल क्या करेंगे तो ये स्क्वायर जाएगा संख्या बच जाएगी, ये प्लस माइनस यहां बच जाएगा 3 कोष्टक में a माइनस बी बटा 18 राइट। तो देखिए x बराबर 9a प्लस का 9b, ध्यान देना ये कोष्टक खोलूंगा मैं तो कोष्टक खोलने में क्या हो जाएगा ये 3a माइनस 3b, a माने b का 3 से गुणा करूंगा तो 3a माइनस 3b हो गया बट्टा कितना 18। तो देखो एक बार तो करेंगे धनात्मक मान एक बार ऋणात्मक मान, तो नंबर एक x बराबर 9a प्लस का 9b प्लस का 3a माइनस का 3b, ये भी बच्चों यहां बट्टा क्या लिखेंगे 18। तो एक्स बराबर देखो जैसे 9a में से 3a गया तो क्या बच गया 6, और 9b से 3b गया तो क्या बच गया प्लस का 6b बट्टा कितना हमारे पास में 18, दोनों में कॉमन क्या गया 6 तो अंदर बच जाएगा a प्लस बी बट्टा में 18, 6 से काट दिया हमने कितनी बार गया ये 3 बार, तो एक्स बराबर आ गया a प्लस का बी बट्टा 3, ये आ गया हमारा एक्स का पहला उत्तर। अब इसी प्रकार इसका दूसरा उत्तर ज्ञात करेंगे ऋणात्मक मान लेने पर राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर वाले सूत्र को लिख के फिर आपको आगे सिखा दूं। अब देखो बच्चों यहां पे क्या है, एक बार धनात्मक मान लिया मैंने प्लस कर लिया, एक बार ऋणात्मक मान लूंगा तो मैं लिखूंगा ऋणात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक मान लेने पर x बराबर क्या है 9a प्लस 9b माइनस 3a माइनस 3b, ये दोनों के एक बार मैंने किसका मान लिया प्लस का और एक बार किसका ले रहा हूं माइनस का बट्टा 18। तो x बराबर 9a प्लस का 9b कोष तो खोल दीजिए, ये माइनस का 3a और माने माइनस प्लस का क्या बन जाएगा माने माइनस 3b बट्टा 18। एक्स बराबर देखो क्या बच जाएगा हमारे पास में 9a में से 3a गए तो क्या बच जाएगा 6 प्लस 9b और 3b हो गया 12b बट्टा कितना 18, ऊपर वाले 6 कॉमन आ गया तो a प्लस 2b बट्टा कितना आएगा 18, 6 से काट दिया हमने 3 बार तो एक्स बराबर कितना आया a प्लस 2b बट्टा कितना आ गया 3, तो हमारे पास दो उत्तर आ गए देखो ध्यान से,
एक तो ये आ गया x बराबर a प्लस टू बी, और एक आ गया हमारे पास x बराबर क्या आया a प्लस बी बटा तीन। ये दो उत्तर हमको प्राप्त हो गए। और ये सवाल इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों, इसका सवाल नंबर 22 और 23 में आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो लेसअप और मैसअप का है। और कल आपका क्या ये आपका सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है, तो इसमें लेसअप मैसअप आपका हटा दिया गया इस प्रश्न वाले में से, तो वो आपके परीक्षा में नहीं आएगा। और चूंकि जल्दी स्कूल खुलने वाला है, तो आप इन सवालों को जरा ध्यानपूर्वक सीखना। कुछ सिलेबस आपका कम कर दिया गया, 40% आपका कोर्स आएगा। जैसे आपकी दूसरी प्रश्न पूरी हटा दी गई है, प्रश्न एक में आपका ये सर्टिफिकेट हटा दिए गए हैं, और त्रिकोणमिति में 7.2 हटा दी गई है, राइट। इसी प्रकार आपकी ये पांच ही प्रश्न समांतर श्रेणी की, उसमें 5.3 जो समांतर श्रेणी के n पदों का अपन योग करके क्या करते हैं, वो भी हटा दिया गया है। तो ये आपको जल्दी मैं बता दूंगा कि आपके कोर्स में क्या क्या हटाया गया है और क्या क्या आने वाला है। आप नियमित रूप से बच्चों वीडियो देखते रहिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।